और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं असम, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सभी 2700 गांव में बिजली पहुंचाकर असम के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है। 16 लाख से ज्यादा गरीबों को घर में बिजली पहुंचाई और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 लाख, कोई भी गरीब हो, आसाम का कोई भी गरीब, कोई भी बड़ा रोग हो, 5 लाख तक का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है और बाकी सारे लोगों के लिए 2 लाख रुपया का खर्चा, 2 लाख तक का खर्चा हमारी असम सरकार, सर्वानंद सोनवाल और हेमंत सर विश्व शर्मा की सरकार 2 लाख तक का सरकार उठाती है। 95% आसामियों को, जनता को स्वास्थ्य के खर्चे से मुक्ति देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आसाम के चाय बागान के लोगों को नमक देने की प्रथा थी, नमक देकर अंग्रेजों ने उनके आयुष्य को कम करने का काम किया था। पहली बार नमक के साथ चीनी और चावल देकर उनको लंबा जीने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और टी वर्करों के लिए, चाय बागान के मजदूरों के लिए आने वाले घोषणा पत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनेगी, इसके लिए हम बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं, जैसे चाय बागान के मेरे भाइयों बहनों का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मित्रों, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, टी गार्डन की मातृशक्ति, उनको जब प्रेगनेंसी होती थी, गर्भवती होती थी, छुट्टी नहीं मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 महीने का छुट्टी और 12,000 रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सभी 90 लाख टी वर्करों का, चाय बागान के मजदूरों का बैंक खाता खोलकर इसके अंदर 2500 रुपया 2 बार डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और अभी अभी हर छोटे और सीमांत किसान के खाते में, 6,000 रुपया मोदी जी वहां से दिल्ली से सीधा भेजने वाले हैं, मित्रों ये हमारा हिसाब मांगते, मैं हिसाब लेकर आया हूं, मगर आप लोग काफी समय से बैठे हैं, मेरे हाथ में 133 योजनाओं की सूची है, 133, मैं जोर से पढ़ता हूं, आपको लगे मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं ताली बजाकर रोक लेना, पढ़ू जोर से, जरा बोलो पढ़ो, जरा ध्यान से सुनिएगा, जहां ठीक लगे वहां ताली मारकर रोक दीजिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, मेक इन इंडिया, मूल स्थिर, स्वच्छ भारत, अरे भैया अभी 14 हुए, ऐसे 133 योजनाएं युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, 133 योजनाओं का गुलदस्ता नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। मित्रों, 2019 के चुनाव में मैं आसाम की भूमि से न केवल आसाम, सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के मतदाताओं को अपील करने आया। 55 साल तक कांग्रेस ने काम किया, सत्ता पर रही, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट को आज शांत बनाने का काम किया, एक भी गोली नहीं चली, रोड से जोड़ने का काम किया, रेलवे से जोड़ने का काम किया, ब्रिज से जोड़ने का काम किया, हवाई जहाज से जोड़ने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। एक और 5 साल नॉर्थ ईस्ट की जनता को और आसाम की जनता को मोदी जी को देना है। सरकार तो बनने वाली है, मगर मैं अपील करने आया हूं कि इस बार सरकार बने तो देश भर के अखबार लिखे कि ये सरकार मोदी जी की बनी है, वो असम और नॉर्थ ईस्ट की जनता के कारण बनी है, ऐसा परिणाम।
मित्रों आप बताइए, इतने सारे लाखों लोग खड़े हैं, 2019 में फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए तैयार है क्या आप? जोर से बोलिए, तैयार है? फिर से मोदी सरकार बनाएंगे? नॉर्थ ईस्ट की सभी सीट कमल के निशान वाली लाएंगे? मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे? सिटीजन अमेंडमेंट बिल को मोदी जी फिर से लाने वाले हैं, इसको असम के जन जन तक ले जाएंगे? जोर से बोलो, ले जाएंगे? एक एक घुसपैठिए को निकालने के लिए कटिबद्ध होंगे? नए घुसपैठिए ना आए ऐसा असम बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप बोलोगे मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, भारत माता की। तो फिलहाल असम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस बार उन्होंने एक सूची पढ़कर सुनाने की कोशिश की और कहा कि 4.5 साल की जो सरकार है उसमें 133 योजनाओं का जिक्र है और उन्हीं योजनाओं का जिक्र करते नजर आए और उन्होंने उसी बात का जिक्र किया, उसी योजना का जो और उस बिल का मुख्य तौर पर जिसका सबसे ज्यादा विरोध असम में ही हो रहा है, यानी सिटीजनशिप बिल का, जिसको पास नहीं करवा पाई है फिलहाल अभी मोदी सरकार। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर एक बार फिर से सत्ता में आते हैं उसे पास करवाएंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। ये एक दुखती नग रस जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्य तौर पर और मोदी सरकार के लिए, वो भी इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भूपेन हजारिका को जो भारत रत्न देने की बात निकलकर सामने आई थी उसका विरोध उन्हीं के परिवार की तरफ से हुआ।